स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। दोस्तों यह है हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक है और इस बाइक का पोल्यूशन आता है, ये साइलेंसर देखिए यहाँ, और इसका धुआं देता है। इस बाइक का मैं इंजन करूँगा तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाऊँगा गियर बॉक्स का और फुल इंजन का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सुपर स्प्लेंडर 125 का इंजन है और मैं ये इसे आपको दिखाऊंगा गियर बॉक्स का साथ इंजन असेंबली करके, तो किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या जरूरत है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, हर कोई इंजन का जो पार्ट्स है, ये हर कोई पार्ट्स को मैंने पेट्रोल देके वॉश कर लिया है ताकि जितना भी यहाँ कचरा होता है इंजन में। और हम लोग जो मैकेनिक होते हैं क्या करते हैं, इंजन हम लोग खोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड ठीक है, लेकिन हम लोग इंजन नहीं खोलते हैं, इंजन को वॉश नहीं करते हैं और पिस्टन लाइनर को सेटिंग कर देता है। लेकिन बाद में क्या खराबी होता है, बाद में आप लोग भुगतते हो और लाइनर पिस्टन खराब हो जाता है। तो मेरा कहना ये है, पूरा इंजन को आप खोलिए, अगर लाइनर सिलेंडर किट सिर्फ लगाइए तब भी आप इंजन को खोलिए, और अपना मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल हो और जो भी चीज से आप इंजन को वॉश कीजिए। उसके बाद देखिए हमारे तरह पूरे पार्ट्स को अपने पेट्रोल देकर वॉश करने का बाद उसके बाद इंजन को फिट कीजिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा इंजन मैंने वॉश कर लिया है और असेंबली करूंगा। तो सबसे पहले गियर बॉक्स जो है होती है इसे मैं असेंबली करूंगा, और इसका गियर बॉक्स का जो पिनियम होती है ये गड़बड़ा जाता है और हर कोई मैकेनिक का प्रॉब्लम हो जाता है, उल्टा पुल्टा लगा देता है, गियर सेटिंग अच्छे से नहीं होता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए ठीक है, मैं अभी रखता हूँ, ये लॉक रहता है ठीक है, और हीरो होंडा में ये जो वॉशर है ये भी लॉक रहता है, लेकिन जोर से खुलने से खुल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये मैंने गियर से पूरा खोल लिया है ठीक है, उसके बाद मैं इसे भर देता हूँ, उसके बाद ये वॉशर रहेगा ठीक है, उसके बाद ये बूस रहेगा, फिर आते हैं यहाँ पर, इसे इस तरह से लगा दिया, और ये जो आपका वॉशर होता है ये आपका यहाँ लॉक वॉशर है, इसे लॉक कर दिया ठीक है, और इस पिनियम को इसी तरह लगा दिया, पर ये गियर बॉक्स सेटिंग हो गया, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ये भी लॉक रहता है, इसे खोलने के लिए इस तरह मारिए, ये खुल जाएगा, ये खुल गया, इसे हम रखते हैं यहाँ पर ठीक है। उसके बाद एक वॉशर रहता है और ये लॉक रहता है, ये सब खोलने का जरूरत नहीं, अगर शाफ्ट खराब हो जाएगा टूट जाएगा तो ही हम लॉक खोल के इसे लगाते हैं। तो चलो पहले इसे भर देता हूँ, इसे भी सेटिंग कर दिया, और ये जो लॉक है इसे मैं बस ये सेटिंग हो गया ठीक है। अब देखो इसे किस तरह लगाना चाहिए, मैंने इस तरह सेटिंग कर दिया, और यह है हाउसिंग का छेद और ये आपका आइडियल का छेद है, तो चलो इसे सेटिंग कर देता हूँ, सेटिंग हो गया ठीक है। आप लगाते हैं गियर चेंजर, गियर चेंजर KTC लिखा हुआ है, KTC R ठीक है। इसे मैं इसका जो चनिया है मैं नीचे रखूंगा ठीक है, चलो मैं भर देता हूँ, इसे उठाता हूँ, और उठाने के बाद इसे इस तरह से भर दिया और नीचे लाके यहाँ छोड़ दिया ठीक है, देता हूँ देखिए K
KTC J3 लिखा है, इसे मैं रखूंगा इस तरह का, इस तरह से रखूंगा, इसका ऊपर रखूंगा। देखिए यहाँ पर, और इस पिन को मैं सेटिंग कर दूंगा। बस मेरा ये सेटिंग हो गया। बस तो देखो गियर बॉक्स की सेटिंग हो गया, एकदम पूरा गियर बॉक्स मेरा सेटिंग हो गया। दोस्तों ये किक रिचार्ज होती है, इसका मैं टाइमिंग आपको बाद में दिखाऊंगा। इसे इसका कोई टाइमिंग अभी नहीं है, आप जिस मन से रख सकता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। लेकिन ये ग्रुप है, देखिए ये जो ग्रुप है, और ये ग्रुप को मुझे यहाँ भर देना चाहिए, मैंने यहाँ सेटिंग कर दिया। ठीक है, बस सेटिंग हो गया। अब आते हैं दोस्तों, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड मेरा खराब हो गया था और मैंने इसे रिपेयर किया, जो नया कनेक्टिंग रॉड है इसे चेंज किया और ये बिल्कुल ठीक हो गया है। देखिए कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो ये मेरा लाइनर एकदम जगह से हो गया। अब मैं इंजन को सेटिंग कर दूंगा। तो यहाँ एक रोलर बैरिंग है, रोलर बैरिंग का यहाँ बूस होता है। देखिए इंजन को क्रैंक सेटिंग करूंगा, क्रैंक भी सेटिंग हो गया। ठीक है, बात रही इसका जो पैकिंग होती है, हीरो होंडा कंपनी में इसका पैकिंग नहीं रहता है। हीरो कंपनी का जो बाइक हो, सुपर स्प्लेंडर, इसमें पैकिंग नहीं रहता है, पैकिंग नहीं दूंगा। ये मेरे पास हट्टा है, इसे मैं दूंगा। कर लिया है और ये आपका स्पीड किलोमीटर का संसार है, ये संसार खराब हो जाएगा तो आपका स्पीड किलोमीटर जो है नहीं उठेगा, ये जो संसार है। तो चलो मैं इसे अभी सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, चैम्बर सेटिंग हो गया। ठीक है, इसी से निटोल बॉल जलता है। ठीक है, इसको लगाना चाहिए किस तरह से, देखिए ऑयल पंप का बूस है और इसे अब मैं आपको बताऊंगा किक रेजर किस तरह से सेटिंग करता है। देखो अगर हम यह किरकिर करेगा तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हाथ देंगे। ठीक है, इसके बाद जो मैंने भर दिया और इसका टाइमिंग हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से यहाँ लाया, लाने के बाद देखो ये हो गया। ठीक है,
ये है ऑयल फिल्टर, यहाँ डाल दिया जेबीडी प्रीमियम पर। यह है जेबीडी प्रीमियम, मुझे लॉक लगा देना चाहिए यहाँ। लॉक बाद में लगाता हूँ, एक चीज़ और लगाना पड़ेगा, पहले ये बूस्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये लॉक लगेगा, बस ये सेटिंग हो गया। उसके बाद ये हो जी, उसके बाद ये बूस, उसके बाद ये वॉशर, ठीक है। अब मेरा सेटिंग हो गया, ठीक है। अब क्लच प्लेट सेटिंग करूँगा। दोस्तों ये क्लच सेंटर और ये न्यू क्लच प्लेट ओरिजिनल, ठीक है। और यह क्लच हॉक तीसरे दिन में करूँगा। पर स्प्लेंडर ग्लैमर बाइक में अगर ये बैरिंग अगर खराब हो जाएगा तो इंजन का साउंड जो है बहुत ही खराब आएगा, क्योंकि ये जो बैलेंसर होता है, ये जो बूस यहाँ जाके बैठता है और ये घर 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 करके आवाज आता है। इंजन करते वक्त इस बैरिंग को आप देख लीजिए, अगर खराब है तो इसे चेंज कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों ये है आपका पिस्टन रिंग और इसमें रिंग आता है, ये लॉक आता है और पिस्टन आता है और यहाँ पर आपका पिन है, गजन पिन है, ठीक है। रिंग है, लॉक है और पिस्टन। तो मैं आपको बताऊंगा पिस्टन रिंग किस तरह से रखना चाहिए, इसका ग्रुप किस तरह से रखना चाहिए और इंजन ऑयल को लॉक किस तरह से करता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पास से काम करना है, ये जो लॉक है पहले लॉक को लगा देता हूँ। लॉक सेटिंग हो गया और पिन भी लगा दिया, ठीक है। इस लॉक को रखता हूँ, अजान दीजिए। ये जो मुंह है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ कहाँ पर, देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखो कहाँ पर कैसा ग्रुप है, देखो।
इसको मैं इस तरह से रखता, ठीक है। और इसको मैं दबा के देखता हूँ और इसका ग्रुप मैं यहाँ रखता हूँ। और देखिए इसको भी मैं दबा के देखता हूँ तो कौन सा साइड पे भागता। एक यहाँ दिया और मुझे एक नीचे दे देना चाहिए। देखिए बस ये हो गया दोस्तों। ये जब पिस्टन जब अंदर जाएगा तो इंजन ऑयल को खींच लाएगा और जब रिटर्न आएगा ना तो इंजन ऑयल जितना भी होता है ये जो लाइनर है ये अंदर जाएगा और जब आएगा रिटर्न तो इंजन ऑयल को खींच के ला जाएगा। ऑयल रिंग का दो काम है, एक लुब्रिकेट करना और ऑयल को लॉक करना, ठीक है। कंप्रेसर का रिंग है, देखो मैंने चारों पिस्टन रिंग का ग्रुप किस तरह से लगाया। एक यहाँ पर दिया और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और नेट जो रिंग है मैंने ऊपर रखा। कराया इसका साइज था स्टैंडर्ड साइज था, ठीक है। तो मैंने इसे 25 साइज बनाया और देखिए ये स्टैंडर्ड है और ये पिस्टन रिंग, ये जो पिस्टन रिंग है आपका 25 साइज, देखिए 25 साइज। तो चलो थोड़ा लुब्रिकेशन कर लेता हूँ। ये जो हेड का मैंने काम करा लिया है पूरा, बाल सील नया है, ठीक है, एकदम नया बना दिया है। अब मैं इसे लेब में जाके रिपेयर करके लगाया हूँ, नया बाल्ब है, नया बाल्ब सील है, इसका काम हो गया है। अब मैं आपको मार्किंग के साथ बताऊंगा टाइमिंग किस तरह से रखना चाहिए।
यहाँ वाशर लगा हुआ है, ये पीतल का वाशर है और ये जो वाशर है बिल्कुल लोहे का है। इसका टाइमिंग दोस्तों मैंने देखा, देखो इस तरह से रखा, ये जो मार्किंग है और इसका मार्किंग सीधा सीधा रखा, दोनों रॉकर को ढीला रखा, ठीक है, दोनों रॉकर को हम ढीला रखा हल्का करके, और जो प्लग है पिस्टन सबसे ऊपर यहाँ लाया, और ये जो मार्किंग है आपका टाइमिंग बन गया, ठीक है, तो इसी तरह टाइमिंग बांधते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये मेरा इंजन फुल इंजन असेंबली हो गया, और आपने तो देखा किस तरह सेटिंग करता है, इस तरह आप सेटिंग कीजिए अभी एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ। पूरा इंजन सेटिंग कर लिया है, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा सलमान। अब मैं ट्यूनिंग करूँगा, दोस्तों ट्यूनिंग किस तरह से करता है, जो ये आयरिश प्रूफ है, इसको हम घुमाएंगे इधर उधर करके, ठीक है, कहाँ पर हाई आता है वहाँ रख देंगे, और ये जो आरपीएम का जो स्क्रूफ है इसे हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने मिला के देखा और यहीं पर मेरा आरपीएम आया, बस ये ट्यूनिंग को मैं लो कर दिया, बस मेरा बाइक का ट्यूनिंग हो गया, ठीक है।
इसके अंदर देखिए क्या है, ये 8 से 10 दिन लगेगा, ये जल के अपने आप ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन कम हो जाएगा और इंजन ऑयल भी अब नहीं खाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह इंजन मानते हैं। अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सही भाई गुरु के साथ।